नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, आप लोग मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो यार, पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, ऐसा ना करें। चैनल को कर दे सब्सक्राइब, मुझे मिलता है मोटिवेशन ताकि मैं ऐसी सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो या आपको नई गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूं। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर गाड़ी देख रहे हो वो दोनों गाड़ी महिंद्रा की है। एक है महिंद्रा बुलेरो पिकअप, दूसरी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। इन दोनों गाड़ियों का हेड ऑन कोलिजन यानी कि आमने सामने की टक्कर हो जाती है। यहाँ पर क्या हाल हुआ है महिंद्रा स्कॉर्पियो का और क्या हाल हुआ है महिंद्रा बुलेरो पिकअप का आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, और आप रफ्तार का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। गाड़ी फ्रेम से टूट चुकी है जैसा कि आप महिंद्रा बुलेरो पिकअप देख पा रहे हैं, और महिंद्रा स्कॉर्पियो का क्या हाल हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट पहुंची है नहीं, इसके बारे में तो कोई भी जानकारी नहीं आई है। विशाखापट्टनम में यह हादसा हुआ है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक लोग रॉन्ग साइड से आ रहे थे जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। बाकी एक और बात मैं आपको बता दूँ, इस हेड ऑन कोलिजन में काफ़ी तगड़ा नुकसान महिंद्रा स्कॉर्पियो और महिंद्रा बुलेरो पिकअप का देखा जा सकता है, जहाँ पर महिंद्रा बुलेरो पिकअप जो है वो आप देख सकते हो फ्रेम से यानी बीच से टूट चुकी है। तो रफ्तार का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं यार, थोड़े से किलोमीटर बचाने के चक्कर में आप रॉन्ग साइड से आ जाते हैं, जिससे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा ना करें, किलोमीटर्स बचाने के चक्कर में, थोड़ा सा पैसा बचाना, थोड़ा सा फ्यूल बचाने के चक्कर में अक्सर यह हादसा ऐसा हो जाता है। कभी भी अपनी लाइफ रिस्क पर ना डालें, हमेशा आप टर्निंग पे ही गाड़ी को टर्न करें, रॉन्ग साइड से गाड़ी ना चलाएं। इसी के साथ, वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं और सेफ्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। फोर व्हीलर चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से सीट बेल्ट लगाएं, टू व्हीलर चाहते हैं हेलमेट जरूर पहने, सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। साइनिंग ऑफ रफ्तार 7811। जय हिंद जय भारत। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा RAFTAAR7811। आप मुझे DM कर सकते हैं, AM से PM कभी भी। कार या बाइक के बारे में कोई भी प्रश्न आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दूंगा मैं।